नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी केसरवानी। आप देख रहे हैं खबरें इंडिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और जाने माने बिजनेसमैन राज कुंद्रा एक बार फिर से मुसीबत में फंस गए हैं। बीती रात 11 बजे मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज को गिरफ्तार कर लिया। उन पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें एप्स पर दिखाने जैसा गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि इससे पहले क्राइम ब्रांच ने राज को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार हुए राज। राज को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि राज पर इसी साल फरवरी में शिकायत दर्ज हुई थी। आज यानी मंगलवार को राज की कोर्ट में पेशी होने वाली है। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है जब राज कुंद्रा को इस तरह के विवादों का सामना करना पड़ रहा है। राज जब 29 साल के थे तभी वह ब्रिटेन के 198 सबसे अमीर एशियाई शख्स बन गए थे। राज के लिए कहना गलत नहीं होगा कि उनका विवादों से गहरा नाता रहा है। आईपीएल सट्टा विवाद। 2009 में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के मालिक बने थे। इसके बाद 2013 में उन पर आईपीएल में सट्टेबाजी करने का आरोप लगाया गया था। राज ने सट्टेबाजी की बात कबूल ली है और साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने इसमें काफी पैसे लगाए थे। इस मामले का खुलासा होते ही बीसीसीआई ने राज की टीम को 2 साल के लिए बैन कर दिया। वहीं 2015 में राज पर आईपीएल में हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया। बिटकॉइन विवाद। राज कुंद्रा बिटकॉइन मामले में फंस चुके हैं। उन पर गेन बिटकॉइन नाम की एक कंपनी के साथ जुड़े रहने का आरोप लगाया गया था। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन विवाद। राज का नाम अंडरवर्ल्ड के साथ बिजनेस करने के मामले में भी सामने आया था। उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी माने जाने वाले इकबाल मिर्सी के साथ जुड़ा था। हालांकि 2019 में जब इस केस में ईडी ने राज से पूछताछ की तब उन्होंने इकबाल के साथ हुई किसी भी तरह की बिजनेस डील से साफ इनकार कर दिया। पूनम पांडे ने लगाए आरोप। मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे ने राज और उनके सहयोगी सौरभ कुशवाहा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला दर्ज करवाया था। उनका कहना था कि राज की कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से उनके फोटोज का इस्तेमाल किया है, जबकि उनके बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट पहले ही खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी ओर राज ने इन आरोपों को सिरे खारिज कर दिया था। दीजिए हमें इजाजत, बाकी के खबरों के लिए बने रहिए खबरें इंडिया के साथ।